मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है कौन सा बार है बाबू? आज बोलो। आज फ्राइडे और डेट है 6। डेट है 6 नहीं 7? 7। आज है फ्राइडे और डेट है 7। डेट भी बोल दिया है बाबू। और बाबू सुबह सुबह उठकर आज नहा भी लिया है और अभी टाइम हो रहा है 9:15 हो रहा है और बाबू आज सुबह सुबह उठकर पढ़ाई पे लग गया है। कल एक दिन है बाबू का स्कूल, उसके बाद बाबू का भी हॉलीडे हो जाएगा और मैं भी सुबह सुबह नहा ली हूँ, पर पूजा ये सब नहीं करूंगी। नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ता में बनाऊंगी गुगुनी। गुगुनी रात को ही बॉईल करके रख ली थी, अभी बनाऊंगी। और त्रिषा बोल रही है कि गुगुनी के साथ ना पखाड़ा खाएगी, तो चावल भी बचा हुआ है, थोड़ा गर्म करके पखाड़ा बना दूंगी। तलापिया फिश, उसका आज बेसर बनाऊंगी, तो वो निकालूंगी फ्रिज से। और अभी गए नहाने के लिए, नहा कराने के बाद तो यही चल रहा है। और कल कोई ब्लॉग नहीं बनाई थी, इसलिए आज कोई ब्लॉग जाएगा नहीं। कल ना पूरा रेस्ट कर लिया, कि एक दिन ऐसे लगता है ना कि रेस्ट कर ले, तो कल मेरा रेस्ट डे था, लेजी डे था। बाबू इधर लिख रहा है ना, हम लोग चल के विंडो के पास बैठ के बात करते, उधर से थोड़ा अच्छा हवा भी आएगा। गुड्डू थोड़ा चाय दो ना मुझे। और एक बात बोलना था कि बहुत सारे मेरी व्यूअर्स के ना फैमिली मेंबर को तबीयत खराब हो गया है, कमेंट पढ़ते ना मुझे भी बहुत बुरा लगता है और मैं प्रे भी करती हूँ दोस्तों, प्रे भी जरूर करती हूँ। कल भी मुझे ऐसे 2-3 कमेंट आया था कि दी हमारा अभी का तबीयत खराब है, किसी ने लिखा था कि पूरा फैमिली कोविड पॉजिटिव हो गए, तो क्या करें अब। मुझे कुछ बोलने के लिए भी नहीं हो रहा है, मैं क्या बोलूँ वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी कभी कभी बाहर जाते हैं ना, मुझे सच में डर लगता है, पता नहीं ये अनसर्टेनिटी कब खत्म होगा। तब अच्छे से रहिए फ्रेंड, हाथ अच्छे से धोइए और मास्क ना अच्छे से पहनिए, पूरा यहाँ तक कवर करके पहनिए। ज्यादा जरूरत हो तो अभी बाहर जाइए, नहीं तो मत निकलिए। बहुत सारे फ्रेंड्स पूछे भी है कि बेंगलुरु का सिचुएशन कैसा है, तो बेंगलुरु का सिचुएशन भी बहुत खराब है, इसलिए मुझे भी बहुत डर लग रहा है। इस टाइम में सब एक दूसरे के लिए प्रे ही कर सकते है। और अभी तो आ गया, अभी मेरे लिए चाय बना रहे, तो आ गई मैं किचन में। गुड मॉर्निंग। और मैं घर पे रह के चाय बना रहा हूँ। बीबी का सेवा कर रहे हो? नहीं, बीबी का सेवा नहीं कर रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, खुश रख रहा हूँ बीबी को, खुश रख रहा हूँ। मुझे कल से ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा वीक फील हो रहा है। तो क्या हुआ? ओके, और लिखो, और लिखो, 5 पेज है ना। ओके, और 1 पेज लिख लो, उसके बाद मैं नाश्ता बना लूंगी, चाय पी के नाश्ता बना लूंगी घुगुनी। इतना और थोड़ा? हाँ उतना ना, थोड़ा डाल देता, कड़क थोड़ा स्ट्रॉन्ग पीने का, बस हो जाएगा ये तो। ठीक है, और ब्राउन शुगर? कल रात को मैंने नहा लिया, ब्राउन शुगर 1 स्पून डालो। और रात को मैं नहा ली ना, इसलिए हेडेक हो रहा है, मतलब सुबह सुबह थोड़ा चाय पीऊंगी तो अच्छा लगेगा, तो अभी चाय बना के दे देंगे। आज रेस्ट डे, मैं सब बना लूंगा। नहीं, मैं फीस बनाऊंगी, तुम फीस बना नहीं पाओगे। इस संडे बना देना, आज भेज कर दो। मर जाऊंगी मैं, बैठने से था 2 दिन भेज गए यार, तो चांस ही नहीं, कोई मुझे रोक नहीं सकता फीस खाने में। आज भी सोच रही थी ब्लॉग करूँ या ना करूँ, फिर बोली नहीं कल नहीं की थी, आज कर लेती हूँ। स्टार्ट हो जाता है ना अगर, तो चलता रहता है, अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो करने का मन ही नहीं होता है, अलसी लगता है। क्या करे, घर में पूरा रह के घर में रह, मूड ऐसे स्विंग हो जाता है। नहीं, मूड स्विंग नहीं, मूड दब जाता है। मूड नहीं, अभी थोड़ा ये टाइम में ना थोड़ा लो भी फील होता है ना, मैं ये कूदने के लिए आ गई, ये जब कूदते हैं ना तो मुझे लगता है कि इनको कूद लूं बस। अरे आ गया फीस, माछो माछ। कौन सा फिश बना गया आज? वो कौन, वो ही जो लेकर आई थी ना, तलेपिया फिश को आज बेसर बनाऊंगी, तलेपिया फिश बेसर। हाँ बाबू, अच्छा भेज की माछ, पापा बापू आसले करिया, और बापू आसले करिया में। हाँ बापू का, आज बापू का याद आ गया सुबह सुबह, बापू का आते है ना, वो फीस वो बनाए थे, बापू बनाए थे बाबू वाला, तो उसको वो खाना है। तो हाँ, ग्लास में दो कप? नहीं, मुझे स्टील ग्लास में, मुझे कप में। हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा स्टील ग्लास में, हाँ स्टील ग्लास में ना ज्यादा ठंडा गर्म रहता है। ऐसे कैसे? हाँ, ज्यादा टाइम के लिए गर्म रहता है। उल्टा बोल रहे हो, ठंडा हो जाएगा? नहीं, गर्म रहता है बहुत टाइम के लिए, जल्दी ठंडा हो जाएगा। नहीं, मैं पीती हूँ ना, जब स्टील ग्लास में चाय डालते है ना, तो बहुत टाइम के लिए ना गर्म रहता है,
ऐसा नहीं है, वो गर्म हो जाता है, तुमको हाथ में गर्म लगता है। नहीं नहीं, मुझे हाथ में नहीं, मैं पीने के टाइम भी लेट बहुत देर तक रहता है। हाँ। कि गर्म ज्यादा रहता है ये, गर्म बहुत देर तक रहता है। सही है ना दोस्तों, प्लीज बोलो जल्दी, मतलब कप से ना बहुत देर तक इसमें गर्म रहता है, कप में ज्यादा देर गर्म रहता है। चलो ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ठीक। तो चाय पीते, सुबह का चाय आप भी लीजिए, गरम गरम चाय पीजिए। अरे हाँ हाँ, बिस्किट भूल गई, मैरी गोल्ड। मुझे ना ऐसे लग रहा है कि गरम गरम कुछ पी लूँ ना, तो थोड़ा आँख ना ऐसे भारी भारी लग रहा है, सर भारी भारी लग रहा है, तो थोड़ा रिलैक्स फील होगा। बाकी अच्छा लग रहा है। अभी मैं 8:30 को आज सोकर भी उठी, मैं बहुत लेट उठी, उठ कर ही नहा ली, रात को एक बार नहाई थी, फिर सुबह सुबह उठकर नहा ली, क्योंकि गर्मी हो रहा है ना, नहीं तो विंटर होता ना तो थोड़ा सा लेट में भी नहा लेती, पर अभी ऐसा लगा कि नहीं उठ के नहा लूँ, बस एक काम ख़त्म हो जाएगा, फिर सब भी अभी नहा के आ जाएगी। मतलब कि गर्म लो बो कितने गरम, देख लो कितने गरम रहूँ, कहते जे सीडर गरम रहूँ। हाँ मस्त हुआ है बुडू। चाय का सम्मान है चाहिए, मतलब कड़क भी है चाहिए, बस मीठा भी नहीं, मस्त बना। गुड मॉर्निंग बस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हो जाएगा। ये लैपटॉप और राइस है, इसको ही थोड़ा गर्म कर देंगे और बनाएंगे पखाड़, उसके साथ खाएंगे गुगुनी, आज का ब्रेकफास्ट और रोटी। हाँ, और रात का रोटी है 5, यही सब आज का हमारा ब्रेकफास्ट होगा। ये रहा रोटी और ये रहा राइस, इसको गर्म करके यही खा लेंगे आज। नहीं मैं बनाऊंगा आज। तुम बनाओगे? अरे वाह, वो भी सीखना है मुझे। हाँ गुगुल तो तुम्हारे भरोसे रहना पड़ता है। ओहो है ना, सीख लो बता दूंगी। काजू दे रहे कहाँ में पकड़ी हूँ जो अड़ी गरम कर लगी। हाँ ठीक है ठीक है, गरम कर, ये रात को ही बॉईल कर दी थी और थोड़ा सा गरम कर लिया अभी। अब क्या करना है गुड्डू? तेल तेल डालो, सरसों तेल। हाँ सरसों तेल तो बनेगा अभी गुगुनी। कितना बनेगी गुगुनी? देखो एक स्पून डालो, बस 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 बस। ज्यादा नहीं चाहिए। और क्या अभी गर्म होने के बाद क्या डालेंगे? सरसों डालेंगे गर्म होने दो तेल को अच्छे से, फिर सरसों का तड़का लगाएंगे, फिर प्याज डाल देंगे और मिर्ची, लाल मिर्च, हरी मिर्च। नहीं नहीं, हर लाल मिर्च पाउडर डालेगा, तड़का में नहीं है। तो गुगुनी के साथ जो खाएंगे पखाड़ा, खेत से मैं बोलू मैं भी आज पखाड़ा ही खाऊंगी अभी गुगुनी के साथ, और मैं खाऊंगा चपाती। हाँ रोटी, रात का रोटी है, रोटी चपाती नहीं, रात को रोटी बनाए थे तो रोटी 5 रोटी बच गया है। कल मुझे रात को भी कुछ खाने का मन नहीं किया, एक ही रोटी खाई, ये भी इतना फ्रेश के तब भी एक रोटी खाई, क्योंकि वेडनेसडे से भेज खा रही हूँ ना, तो कल से मेरा रात तक मेरा हालत पूरा ढीला हो गया। अच्छे से और थोड़ा गर्म हो गया, गर्म हो गया अभी डालो। डालो कितना? एक चम्मच? नहीं हाँ उतना, हाँ बस बस बस। हाँ अब क्या डालना है? प्याज, प्याज हरी मिर्च डाल दो। अरे डाल दो, हाँ डाल डाल डाल, अब एक्स्ट्रा डाल दो, एक्स्ट्रा डाल दो प्याज। दूर से ही अच्छे है। ये ऊपर रख दो ऐसे ना, प्याज को थोड़ा ऐसे अच्छा करो, स्प्रे करो, स्प्रे कर दो। हाँ बस अब रख दो,
अभी तो इच्छा प्रकाश कर रही थी मैं खाना बनाऊंगी, तो मैं उनको मन को क्यों मारूं, इसलिए डिपेंडेंसी कम करना है, इच्छा प्रकट करने की बात नहीं, घुगनी खाने के लिए जब बनूंगा तब बना के खा जाऊंगा मैं। खा दूंगा, किसको खा जाऊंगे तो। घुगनी को अभी मेरे टीचर ने बोला कि जिंजर गार्लिक भर के एक टेबल स्पून डालो, जितना है उसका पूरा डाल दो, इतना रखकर क्या करोगे। तुमने मेजरमेंट से भी रख दिया था रात को, नहीं ताकि मेजरमेंट गलत ना हो। ये लो हल्दी पाउडर डाल दो, तेल में छिटा पड़े, हल्दी पाउडर डालो। हल्दी पाउडर का डाल देते ना, तेल का जो छिटा है ना वो ऊपर ना आ जाए। इतना और डालना है? हाँ, एक साथ ही डालना। मिर्ची डाल दो? हाँ मिर्ची भी डाल दो, एक चम्मच। हाँ गैस को सिम करो। इतना और थोड़ा डालो, बुन में तो तीखा ही अच्छा लगेगा। भर के ठीक है, ऊपर ही गैस कम कर दिया मैंने, करो तुम गैस कम कर ही करना, जल जाएगा। गैस कम करने के लिए मैं रहूंगी साथ में, और इनको इंडिपेंडेंसी चाहिए, जो गैस को भी ऑफ ऑन करने के लिए सेक्रेटरी रखे मुझे। और थोड़ा ऑयल डालूं? नहीं, ऑयल जरूरत नहीं, ज्यादा ऑयल जरूरत ही नहीं खाने में, सिर्फ ऑयल मसाला ज्यादा हो जाएगा तो खाना अच्छा बन जाएगा, ये गलत फहमी में मत रहो। मेरा तो प्रेमी प्यार ये सब ज्यादा मुंह से निकलता है, ठीक है तुम समझ रही ना वो बड़ी बात। गलत क्या प्रेमी, गलत फहमी, फहमी फहमी क्या वार होता है, प्रेमी कितना अच्छा लगता है, गलत प्रेमी। प्रेम आपको प्रेम ही करके बुलाते हैं। और थोड़ा ये टमाटर डाल दो, नहीं टमाटर बढ़िया खट्टा लगता है। नहीं, अब ये डाल दो? नहीं थोड़ा सा नमक डालो। ओ नमक डालना है, मैं भूल गया, नमक डाल दिया था मैंने बॉईल करने के लिए, थोड़ा सा डालना बस। नहीं इतना हाँ बस, इतना बस हो गया, अभी उसको मिक्स करो, इसको फिर से मिक्स कर, जल्दी मिक्स करो, बस डाल दो, डाल दो, उड़ल दो, उड़ल दो, उड़ल दो, सब कर दो। ये गया, देख के सेम आ जाएगा हाथ में, देख के धीरे, मैं मुझे दो में डाल देता, मैं डाल दो। गैस को हाई फ्लेम में रखना, पानी कितना डालना है देखो, ज्यादा नहीं डालना है, सूखा वाला हम बस पकड़ो, चिमटे को पकड़ो, जब खाना बना तो तुम चिमटे को पकड़ के बनाओ। अब इसको 5 मिनट बॉईल होने के लिए दो, फिर ग्रेवी हो जाएगा, ठीक है। अभी ये आलू का ना थोड़ा ऐसे मैश करना है, अभी ये जो ग्रेवी है थोड़ा मोटा होगा, अच्छा लगेगा। और तुम इतना बड़ा स्टेप नहीं कर पाओगे, पूरा घुगुनी अगर नीचे आ गया ना, फिर हमारा घुगनी खाने का जो स्वप्न स्वप्न में रह जाएगा। अब एक 5 मिनट के लिए बॉइल कर देंगे, फिर ये हो जाएगा, ढक्कन दे देंगे तो फिश फ्राई बनाऊंगी। ऋषा बोली कि मम्मा फिश फ्राई बनाओ, तो 4 पीस फिश फ्राई कर दूंगी, पखाड़ों के साथ खा लेंगे, फिर बाकी का फिश का बेसर बनाऊंगी तो लंच में खाएंगे। तो नमक, हल्दी पाउडर और चिल्ली पाउडर देकर फ्राई कर दूंगी।
तो ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के साथ पखाड़ा क्या भी आज होगा, गुगुनी फिश फ्राई के साथ पखाड़ा, वाओ। ये रहा आज का हमारा ब्रेकफास्ट पखाड़ा। तू क्या खाई बाबा? पखाड़ा ना, रोटी रोटी उसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा फिर से। बाबू का क्लास स्टार्ट होगा और आज हमारा ब्रेकफास्ट भी हो रहा है। वाओ, गुगुनी के साथ रोटी और प्याज। प्याज दे दी माँ, तुम अच्छा दे रखा है ना, प्लेटा देखा। बाबू भी थोड़ा माछ बजा बोल रहे, फिश फ्राई खाएगा। अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है नहीं भले माछ रहेगा, टेस्ट रहेगा। अभी नहीं गाड़ी कर दीजिए, बाबू का क्लास स्टार्ट हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी वो कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये ब्रेकफास्ट। आपको तो लगेगा कि लंच हो रहा है। मस्त हुआ है आज का पखाड़ा क्या। लंच में खाएंगे पखाड़ा। लंच में क्या बनेगा क्या खाएंगे सब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखोगे। आज का ये छोटू सा ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय 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 बाय। आज का बाय, आज का ब्लॉग पखाड़ा क्या के साथ एंड। बाबू का मंडे से क्लास नहीं है, कल अच्छे ना बाबू ना बुद्धि नहीं। मंडे से नहीं है, वन मंथ। इस पीस में ना बहुत बड़ा बड़ा कांटा रहता है, इसलिए देख के खाइए। जब तक लगे पीस खाते हैं तो बीच में कांटा नहीं रहता है, साइड साइड में रहता है, बहुत बड़ा बड़ा, गले में नहीं लगेगा क्योंकि हाथ में दिखाई देता है। एक सवाल है क्या?
घुगनी के साथ इडली अच्छा रहेगा, डोसा अच्छा रहेगा, उपमा अच्छा रहेगा या पकौड़ा अच्छा रहेगा? बोले थे की रश्मि तो नॉन वेज खाएगी, हम कहा से नहीं खाएगी। ज्यादातर मैंने गैस अच्छे से किया है कि नॉन वेज ही खाएगी। आपको कोई फ्रेंड बोले रश्मि नॉन वेज अभी के हाथ से खाएंगे, अगर ये फीस ये खिला देंगे ना इनका हाथ में क्या हो जाएगा? बोल हो जाएगा, हो जाएगा। तुम फीस खिला सकते हो इसको? नहीं नहीं खिला सकते ये फीस, मैं तो खा भी नहीं सकती फीस इनके हाथ से। लाकर दे देते वो बड़ी बात है। ये छोटा सा बर्तन में क्यों लिया पकड़ो? मैं छोटा सा बर्तन में खाती हूँ। दोनों का हो गया। प्यार कर रही हम माँ बेटी दो बिल्ली बेटे अब खाना खा कर झक्कर मार रहे हैं सर आप लोग ये देखकर अजीब रहा घुगनी पूरा दिख रही जाओ अरे पकड़ का मैंने मस्त है चला क्लास में सोचा दूँ क्लास में सोया रहा भाग्य नहीं कर रहा क्लास का सुगर हूँ पक्खन पट्टे खाएगी थी जो रेट तो मैं घुगनी ही को रोटी खाई थी आराम से क्लास में क्लास देगा तो सोचा दूँ के साथ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हो। ब्लॉग तो कब से एंड हो गया था, फिर हम लोग अभी तक चल रहे होता।